हेलो दोस्तों, क्या आपने भी रूट मोबाइल का आईपीओ सब्सक्राइब किया है और ये सोच रहे हो कि आपको लिस्टिंग पे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो चलो इस वीडियो को देख लेते हैं और आपको आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विथ एसपी में। दोस्तों सबसे पहले तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं रूट मोबाइल के आईपीओ के बारे में। ये ऑफर चालू हुई थी 9 सितंबर से 11 सितंबर तक और आपको अलॉटमेंट मिल जाएंगे 16 सितंबर तक। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो 17 को आपका रिफंड आ जाएगा, 18 पे आपके शेयर्स डिमांड पे आ जाएंगे और 21 तारीख को शेयर आईपीओ जो है वो लिस्ट हो जाएंगे एनएससी और बीएससी पे। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन के स्टेटस के बारे में अगर बात करते हैं तो क्यूआईबी जो है उन्होंने 43.43% ओवर सब्सक्राइब कर दिया है ये आईपीओ। जो क्यूआईबी जो होती है वो सेबी रजिस्टर्ड जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर हो गया, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब जैसे बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड वाले हो गए, ये सब जो आते हैं वो आते हैं क्यूआईबीज में जो बड़े बड़े प्लेयर हैं। ये कोई भी निवेश करने से पहले बहुत बड़ी इनकी जो टीम होती है वो बहुत एनालिसिस करती है और तभी जाके सब्सक्राइब करती है आईपीओ या इन्वेस्टमेंट करती है। और अगर उन्होंने 43.43% की इन्वेस्टमेंट की है मतलब कंपनी बहुत ही तगड़ी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये क्यूआईबीज का डाटा बोल रही है। और अगर हम सेकंड अगर देखते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो उन्होंने भी 170% ओवर सब्सक्राइब कर दिया है। मतलब यहाँ पे भी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, जो इंडिविजुअल्स है, जो रिटेल इन्वेस्टर नहीं, जो बड़े बड़े इंडिविजुअल्स है उन्होंने भी अच्छा खासा डिमांड दिखाया है 36 करोड़ 48 लाख 78 लाख शेयर्स का। इसका मतलब जो है शेयर बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब सिर्फ हमें यह देखना है कि हमें मिलता है या नहीं। रिटेल इन्वेस्टर ने भी इसे 3.7% से ओवर सब्सक्राइब कर दिया, मतलब यहाँ पे जो है डिमांड बहुत है। अगर शेयर मार्केट हम देखते हैं तो पूरा चलता है डिमांड एंड सप्लाई पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिमांड बहुत है और सप्लाई बहुत कम है। मतलब अगर किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसकी प्राइस इवेंचुअली बढ़ ही जाती है। ठीक उसी तरह होगा रूट मोबाइल के आईपीओ पे। लिस्टिंग पे आपको गेन होने ही होने हैं मेरे नॉलेज के हिसाब से। तो चलो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही था कि आपको सिर्फ ये बताना था कि आपको लिस्टिंग पे गेन होने ही होने हैं। अगर आप लिस्टिंग के गेन पे हो तो जैसे ही शेयर लिस्ट होता है आप आपका गेन निकाल के चल दो। और अगर आपका विजन एक लॉन्ग टर्म के लिए है तो भी आप इस शेयर में सब्सक्राइब इस शेयर में आप जो है वो बने रह सकते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए भी, उसमें भी आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।